और ये चेन भी उतार देना। जान खुद ही उतार लो। अच्छा, मैं खुद ही उतार लेती हूँ। ये लो। ये आज की रात तुम्हारा तोहफा है। चले ठीक है, मैं इसको बाद में पहन लूंगी। थैंक यू। मैडम जी, पुलिस की रेड पड़ गई है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, पुलिस की रेड पड़ गई है। इधर से नहीं, पीछे से। इधर से निकल जाए। भाग जाए, भाग जाए साहब, जल्दी भाग जाए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे अंदर जाओ, भागने ना पाए। तू किधर जा रहा है? मुझ पे भी छापा पड़वाएगा। उधर जाओ, निकलना ना पाए। क्या है? कहाँ है वो तमाशबीन? कौन सा तमाशबीन? कैसा तमाशबीन? बाजार का टाइम तो खत्म हो गया। बच्ची बनने की कोशिश ना कर, कानून को दो। कानून को ना समझा। बता, 3 बजे तक तो होता है यहां मुजरा, और सवेर तक होता है यहां हुजरा। कहां है वो हुजरे वाला? कहां है? डांडिया मर गया क्या? डाडा डांडी? नहीं, वो नहीं मरा, कोई बंदा मर गया नीचे गिर के। बंदा नहीं मरा, ये मर गई बुलबुल। सीधा ही पर्चा होगा, क्योंकि मैंने आवाज ध्यान से सुनी। यकीनन तूने धक्का दिया होगा खिड़की के रास्ते। अगर हमारे साथ तावन करेगी, अंदर ही होगी तू। इन बच्चियों को छोड़ दो, ठीक है? और तुम दुआ करो, अगर दुआ शुआ नहीं आती तो कोई सोग वाला गाना गाओ। चल तू नीचे आ, आगे लगे। चलो चलो, मोटी सीढ़ियों में फंस मत जाना। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि हुसन की मार्केट में सोनिया बाई के कोठे पर पुलिस ने छापा मारा है, जिसके नतीजे में एक शख्स खिड़की से कूदकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पता चला है कि शख्स ने अपने वरसा में एक बेवा और 3 बच्चे छोड़े हैं। पुलिस ने सोनिया बाई को मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया है। कंजरो, अपने अपने कमरों से बाहर आ जाओ, जिस हालत में भी हो। आप लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से एक खुशखबरी सुनाई जा रही है। बिस्मिल्लाह, बड़ी जल्दी जमानत होगी तेरी। गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम दिया है। 2 घंटे में 2 किश्तों पे डांस कर सकती हो। ए सेट भी चला सकती हो, बी सेट भी। 1 बजे के बाद घुंघरू बंद, गाना बंद, और नकलो हरकत बंद और बंद। ओके। कल मिनिस्टर के बेटे को गोलियां लगी और तुम लोगों ने मुझे इतला तक नहीं दी, और वो भी चंदा बाई के कोठे पर। ना मरा तुम, कल तुम्हें पता है कि तुम सब लोगों की बेटियां उतरने वाली है, टोपियां उतरने वाली है, तुम सब मौतल हो जाओगे। सड़े मेरे, मुझे अफसोस है पुलिस डिपार्टमेंट पर, जिसने डांडिया नामी गुंडे को खुला छोड़ रखा है। आज तक क्रिमिनल गैंग क्यों नहीं गिरफ्तार हो सका, बता सकते हो तुम? और जानते हो तुम, उसने मेरे बेटे को मार देने की कोशिश की है। बात सिर्फ आपके बेटे की नहीं है नवाब साहब, पूरे मुल्क की है। आपके बेटे की जगह किसी ताजिर का बेटा भी हो सकता था, या किसी क्लर्क का बेटा भी हो सकता था। सॉरी सर, हो सकता था नहीं सर, हो सकता है। बाजारे हुस्न में कितने कत्ल हुए, कितनी तवायफों पर तजाब फेंक दिया गया, कितनी तवायफों को अपहर्ज किया गया, कितनी तवायफों ने कितनों के घर बर्बाद कर दिए। आपके बेटे की जिंदगी को भी एक तवायफ बर्बाद कर रही है सर। क्या आपने अपने बेटे से पूछा
कि वो हुस्न की मार्केट में क्या लेने जाता है। क्या आपने अपने बेटे से पूछा सर कि वो एक वाइफ की खातिर ड्रग माफिया का इस्तेमाल क्यों करता है? हम यहां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं आए हैं। मेरे बेटे की जगह आपका बेटा भी हो सकता था, आपका बेटा भी हो सकता था, और मौलाना साहब आपका बेटा भी हो सकता था। आपने कभी सोचा घर की चार दीवारी में बैठी हमारी मां बहन और बेटी अपने भाई और शोहर का इंतजार कर रही होती हैं? मुआशरा इस कदर बिगड़ चुका है कि बाजार हुस्न की रंगीनियां अरूज पर हैं। बेटा मां के कदमों को चूमने की बजाय वाइफ के पैरों की जंजीर बन जाता है। बुराई का बाजार अगर इसी तरह गर्म रहा तो आने वाली नस्ल में ना तो कोई अच्छा लीडर पैदा होगा और ना ही कोई अच्छा ऑफिसर। तो फिर मैं मजहबी अमूर का वजीर होने की हैसियत से आप लोगों को यह मशवरा देता हूं कि बुराई के ऐसे हर गर्म बाजार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं इनकी ताईद करता हूं, मैं इनकी ताईद करता हूं। मैं पंजाब कल्चरल मिनिस्टर होने की हैसियत से पुलिस डिपार्टमेंट को यह हुक्म देता हूं बुराई का यह बाजार फौरन बंद कर दिया जाए। भाइयों, मैं यहां को रिच कुत्ते की लड़ाई कराने के वास्ते नहीं आया। हौसला कर, हौसला। जो बात, जो इतला मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, आप सब लोगों के आंसू निकल आएंगे। सिर पर टोपी ले बच्चे नंगे फिर क्या कर रहे तू? भाईजान, मेरा मतलब है कि किसी की बहनों, गवर्नमेंट ने ये मार्केट बंद करने का आर्डर जारी किया है। तेरी बच्ची भी यहां है? बेवकूफ तो नहीं है? मैं इतला दे रहा हूं 24 घंटे के अंदर अंदर ये मार्केट बंद कर दो। अपने पुराने कपड़े और अपनी पलीती लेके यहां से निकल जाओ। ये मार्केट डिटॉल से धोनी है, सुना नहीं? गूंगे बैरे हो? चलो अपने अपने काम करो, चलो और निकल जाओ। ऐलान खत्म हो गया, अब तो निकल जाओ। 24 घंटे हैं, मैं बता दूं। हम वजीरे आला सीट के लिए नहीं बने, अदालतों की इज्जत और कौम का एहतराम करने के लिए बने हैं। हम कुर्बान तो हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं। बाहर आओ कल्चर मिनिस्टर साहब, हमारे पास भी पाकिस्तानी शहरियत के सबूत हैं।
नो प्रॉब्लम फारूक साहब, आप परिंदे देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जी। परिंदे बहुत नाजुक हैं, इसलिए हर उड़ान जरा प्यार से उड़ाइएगा। बस आप जल्दी से हमारी फीस दे दे। जरूर मिलेगी। हम नहीं जानते थे कि हमारे इस पाकीजा शोबे को तुम जैसे नापाक जिस्म रुस्वा कर रहे हैं। उन शरीफ आदमियों के सामने हमारा सर कभी नहीं उठ सकता जो हॉस्पिटल की चार दीवारी में तुम लोगों को सिस्टर कहते हैं। मर जाएंगी वो सिस्टर्स हॉस्पिटल्स की जिनके दामन पाक हैं। खत्म हो जाएगा उन बच्चियों के दिलों से वो जज्बा जो इस पेशे को अपना फर्ज समझती है। मर जाएगा वो बाप जिसकी बेटी सर्विस के बहाने धंधा करती है। गैरत का तकाजा तो यही है कि मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर दूं, लेकिन मैं अपने मुकद्दस पेशे की रुसवाई से डरता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। अरेस्ट हिम। चलो चलो आगे। ये मेडिसिन्स हैं और ये रहा आपका हॉस्पिटल का बिल। कितना बिल है बेटा? जितना भी है माँ, तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं बिल कल दे दूंगी। जी कोई बात नहीं। पैसे कहाँ से आएंगे बेटी? बिकने वाली चीज हूं मां, कहीं भी बिक सकती हूं। ए, अरेस्ट हिम। लड़की कहां है? जी अरेस्ट हिम। ए, पीछे हट। डिप्टी साहब, हम इज्जतदार लोग हैं, अगर अखबार में तस्वीर या खबर छप गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। प्लीज हमारे साथ कॉपरेट करें, हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। शट अप। तो अपनी दौलत की चादर में अपने जुर्म छुपाना चाहता है? तू बता, तुझे अपना जिस्म फरोख्त करते हुए शर्म नहीं आती? डिप्टी साहब, शर्म मेरी मासूम बहन का पेट नहीं पाल सकती। हया, हया मेरी माँ की दवाइयों का बिल नहीं अदा कर सकती। और रही बात शराफत, तो शराफत मेरे मकान का किराया नहीं दे सकती। इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, पैसा। दुनिया का कोई भी मर्द किसी जवान लड़की को अपनी बहन या बेटी बनाकर 10 रुपए नहीं देता साहब। और अगर कोई मर्द ऐसा करता भी है तो वो आज के दौर का आम इंसान नहीं, वो तो आज के दौर का वली है। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करती? नौकरी भी तो मौशूक बन के ही करनी पड़ती है ना साहब। बेटी बनाकर तो कोई खैरात भी नहीं देता, नौकरी क्या देगा? आपको क्या लगता है कि ये बुराई करके हमें खुशी मिलती है? नहीं साहब, नहीं। ये साले अमीर लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए तो आपको 50,000 रुपए दे सकते हैं, लेकिन मेरी माँ की दवाई के लिए 50 रुपए नहीं दे सकते।
₹50 नहीं दे सकते। हमारी बदकारी के जुर्म में आप हमें सलाखों के पीछे तो डाल सकते हैं, लेकिन हमारी बुराई की दीवार के पीछे कितनी सच्चाई है उसे नहीं देख सकते। अगर ये झूठ हुआ तो? माँ झूठ नहीं हो सकती साहब, भाई झूठ हो सकता है, बाप झूठ हो सकता है, बहन झूठ हो सकती है, लेकिन माँ झूठ नहीं हो सकती। और अगर ये सच ना हुआ तो आपके कानून की गोली को मेरे सीने में उतरने की इजाजत है। इन सबको थाने ले चलो। आज मैं बुराई के पीछे छुपी हुई सच्चाई को देखना चाहता हूं। मुन्नी क्या हुआ? भाजी माँ हमें छोड़ के चली गई है। नहीं, नहीं। भाजी मैंने माँ को बहुत रोका, माँ नहीं रुकी। माँ आगे खोलना, माँ देख मेरे साथ कानून आया। आगे खोलना माँ, मैं तो तेरे सच होने के बड़े बड़े दावे करके आई हूं माँ। आगे खोलना माँ, यकीन दिला इस कानून को कि मैं तेरी बेटी हूं और तू ही मेरी माँ है। तेरी खामोशी मुझे झूठा कर देगी। बता दे माँ, बता दे इसे कि अगर एक माँ अपनी औलाद के लिए गुनाह की हर हद से गुजर सकती है, तो फिर एक बेटी के लिए भी अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए हर गुनाह जायज है। लेकिन इस कानून को कैसे यकीन दिलाऊं? क्योंकि ये कानून तो बात बात पर गवाह मांगता है, और मेरी गवाही देने वाली तो सिर्फ तू है मां, सिर्फ तू है। साहब जी मैं गवाही देती हूँ, ये मेरी माँ है और ये मेरी बाजी है। बस करो बेटी, मुझे यकीन आ गया है। अगर यकीन आ ही गया है डिप्टी साहब, तो ये बताइए कि इस अस्पताल का बिल कौन देगा? कौन लाएगा मेरी माँ के लिए कफन? और कौन उतारेगा मेरी माँ को कब्र में? और इन सब के लिए मुझे चाहिए पैसे, और पैसे सिर्फ तुम दोगे डिप्टी, सिर्फ तुम। इस हॉस्पिटल का कोई ना कोई कमरा तो खाली होगा ही। ले जा मुझे किसी कमरे में, नोच मेरे जिस्म को, खेल मेरी मजबूरी से जैसे दुनिया के बहुत लोग खेलते हैं, क्योंकि ये तो मेरी माँ है और मैं इसे बगैर कफन के दफन नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। आज हमने एक बुराई देखी और उस बुराई के पीछे छुपी हुई एक सच्चाई भी देखी। आज के बाद तुम मेरी बहन हो और मैं इस मरहूमा का बेटा। तुम धंधा करो या ना करो, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम की बहन हो।